आंसर बहुत ज्यादा इजी है, तो हम जो इसको सॉल्व बिना सॉल्व करे एग्जाम में पहुंच जाएं, नहीं जी ऐसा मत कीजिएगा, एक बार सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। जब रिवीजन करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस है आप में कि हमको आता है अलग क्वेश्चन, तो उसको एक बार सॉल्व करके देख लो, हिंदी मुंह में बोल लो और केवल 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 पेंसिल से केवल मैथ मैथ जो है वो सॉल्व करके देख लो, आपका टाइम कम लगेगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। मैथ ज्यादा जरूरी है, हिंदी ज्यादा जरूरी नहीं है, हिंदी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे। हाँ अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से थोड़ा सा घुमा हुआ वाला है, लेकिन फिर से वही बात आएगी, आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अभी जो अपन ने 10वां क्वेश्चन किया था ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह बल्ब बोल दिया है और रेजिस्टेंस का मान देने की जगह बल्ब का मान दिया हुआ क्वेश्चन है ये भी मेरा फेवरेट में से एक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपात। बहुत से बल्ब लिखे हुए जरूर है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ नहीं लिखा है कि एक बल्ब का है कि सभी का टोटल है। यहाँ पर जो मतलब निकल रहा है वो हर एक बल्ब निकल रहा है, बोल रहे हैं 10 वॉट के बल्ब जो है वो लाइन पर लगाए हुए हैं, हर एक बल्ब का जो अनुमतांक अनुमतांक मतलब रेटिंग दी हुई है वो 10 वॉट दी हुई है। यदि यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, तो लाइन के दोनों तारों के बीच कितने बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। थोड़े से टिपिकल शब्द जरूर यूज किए हुए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में समझो क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहा है। शादियों में आपने लाइटिंग लाइटिंग देखी है, लाइटिंग जो करते हैं शादियों में बल्ब लगाते हैं ना, बहुत सारे हेलोजन भी लगाते हैं, वो सब चीज लगाते हैं, उसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा। अगर हम शादियों में जो टेंट हाउस वाले होते हैं ना, उनके अगर जो वो लाइट लगाते हैं सर्किट वगैरह लगाते हैं, जो हेलोजन वगैरह लगाते हैं, उसका अगर हम सर्किट डायग्राम निकालें, मतलब उसको भी थोड़ा सा सर्किट डायग्राम भी स्पेशली नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर वो कैसे होते हैं, उसमें दो तार होते हैं, एक मेंस का वायर होता है जिसको हम पॉजिटिव तार बोलते हैं, और एक न्यूट्रल का वायर होता है जिसको हम नेगेटिव न्यूट्रल तार बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, काले रंग का होता है, मैं काला यहाँ पर बना नहीं सकता क्योंकि ब्लैक बोर्ड काला है ना। उसमें क्या करते हैं हम, एक जैसे हेलोजन लिया हमने, हेलोजन को बल्ब से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो हेलोजन जो बल्ब लिया हमने उसके दो सिरे होंगे, उसके एक सिरे को हम लाल से लगाते हैं, एक सिरे को हम काले से लगाते हैं, और हेलोजन जो है वो जलने लगती है, ऐसे ही करते हैं। बस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बस यही समझाना चाह रहा है आपको, इसमें जो है बहुत सारे बल्ब लगा के रखे हैं, कितने लगा के रखे हैं नहीं पता, फिर से वही वाली बात है, कितने बल्ब लगाए हुए हमको नहीं पता, हमने बस बल्ब लगा दिए हैं, कितने नहीं पता, डॉट 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 लगा दिए और ये लगा, ठीक बल्ब लगा दिए। अब बोल रहे हैं कि ये बल्ब जो लगाए हुए हैं वो परिपथ से कुल विद्युत धारा जो ले रहे हैं वो फिर से 5 एम्पेयर की ले रहे हैं, वहां पर भी 5 एम्पेयर ही ले रहे थे, और जो वोल्टेज लगाया हुआ है दोनों के बीच में वो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है ना। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो गया आपका, कि जो है वो जैसे शादियों में बल्ब लगाए हुए हैं दो तारों के बीच में, तो वो बल्बों की संख्या हमें नहीं पता है, फिर से एक्स ही मानेंगे, बल्बों की संख्या नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि वो बल्ब टोटल करंट कितना ले रहा है, 5 एम्पियर ले रहे हैं, उनके बीच वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है, और हर एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का है, हर एक बल्ब, सभी बल्ब जो है 10 वॉट के। सबसे पहले हम इसका ये जो है वो प्रैक्टिकल बात हो गई, इसको हम सर्किट डायग्राम में बना लें थोड़ा सा, कि सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा इसका। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, एक बल्ब बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्बों की संख्या हमें फिर से नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक दो तीन और चार बल्ब लगा लेते हैं, है ना, इनको हम काय में जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ले जाएंगे, इसको ऐसा सीधे सीधे जोड़ देंगे, और जो आखिरी वाला बल्ब है ना उसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। क्यों, ये दिखाएगा कि हमें बल्बों की संख्या पता नहीं है कितने बल्ब जोड़े हुए हैं,
हमको अभी नहीं पता है कि कितने बल्ब जोड़े हैं। लाइन सीधी बनाइएगा, मुझसे सीधी नहीं बनी। ये नोड बन जाएगा तो इसको जैसे डार्क कर देना, ऐसा गोला गोला कर देना, इसको थोड़ा सा बाहर तक लाना और नीचे आपको एक विद्युत का सोर्स लगाना है। फिर से 220 वोल्ट है। मैं यहाँ पर एसी डायग्राम का यूज करूंगा, एसी वेवफॉर्म का यूज करूंगा, और एसी का 220 दिखाने के लिए हमको ऐसा ऐसे वेवफॉर्म बना देना पड़ता है। मैं बता दूंगा, मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अगले चैप्टर में आता है तो वो बताना भूल गया हूँ। मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो आप इसको। ये वाले डायग्राम को अभी थोड़ा सा आप फिर से वही बात, बैटरी लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एसी डीसी दिया नहीं है हमको। यहाँ से जो करंट बह रहा है वो करंट का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है ना, 220 वोल्ट का विद्युत सोर्स लगा हुआ है। जो बल्ब दिए हुए हैं वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस दिए हुए थे, इसमें जो है उन्होंने बल्ब दे दिए हैं, लेकिन बल्ब का भी रेजिस्टेंस तो हो गई, बिल्कुल सही बात है। और 176, सॉरी, अगर ये 10-10 वॉट के बल्ब हैं और सेम है यदि, तो इनका रेजिस्टेंस भी सेम होने वाला है। बस हमको क्या दिया है, इन्होंने रेजिस्टेंस की जगह क्या दे दिया है, विद्युत शक्ति दे दी है। अगर इन्होंने ये वॉट की जगह हमें रेजिस्टेंस दिया होता ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया था, हमको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता था। हम जो है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स मान के करा था ना, इसको भी कर सकते थे। तो क्यों ना हम इस 10 वाट को कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा पिछले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा जैसा पहले था। कोशिश करते हैं करने की इसको, जो है वो हम क्या कन्वर्ट 10 वाट को केवल हम रेजिस्टेंस में बना लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा और हम जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक बल्ब की बात कर लेते हैं। एक बल्ब के बारे में हमको दिया हुआ है जो उसकी पावर है वो 10 वॉट है, उसकी पावर जो है वो 10 वॉट है। अच्छा, पावर का जो मतलब जो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी इंटू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर बोल रहे हो आप। हाँ वो भी होता है, वो भी होता है। तीन पी के तीन फॉर्मूले थे ना, वी आई होता है, बी आई स्क्वायर आर होता है, और एक और कौन सा होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। जी हाँ बिल्कुल, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि हमको जो है आर की वैल्यू पता चल जाए? क्या हम ये वाले फॉर्मूले का वीआई वाला, हाँ वी आई फॉर्मूले का यूज भाई। करके इसके फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आर दिए नहीं ही नहीं भैया, फॉर्मूले में, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आर आए नहीं है इस फॉर्मूले में। हमको क्या निकालना है, हमको इसकी सहायता से आर निकालना है इस फॉर्मूले के साथ। इस वाले क्वेश्चन में आर आया ही नहीं है, तो हम इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें। इसमें आपकी एक बात अब काम आएगी, वो बात है समांतर क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता है कि करंट? ये करंट 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 डिवाइड होता है, मतलब इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, बिल्कुल। और क्या हमें इसका करंट दिया हुआ है कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा? नहीं है नहीं, ना। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि यदि आप वोल्टेज नापोगे, इसमें वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज नापोगे, तो सभी रेजिस्टेंस का या फिर सभी बल्बों का जो वोल्टेज आएगा वो सेम आने वाला है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो हम आई जब सबके लिए चेंज हो रहा है, आई जब चेंज हो रहा है और हमको दिया भी नहीं है वाई, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यों, ये हमको टोटल आई दिया हुआ है, टोटल आई दिया हुआ है, लेकिन इस जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, जो समांतर क्रम का संयोजन होता है, उसमें हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट जाता है, हर एक शाखा में अलग अलग करंट जाता है, और वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। बचा हुआ कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, ये वाला, और इसी काम को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले का हम हटा देते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और यही वाला यूज कर रहे हैं। पी इक्वल, वो रो जैसा दिख रहा है लेकिन वो पी है, पी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपन आर। अभी देखना हम एक बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, सभी एक बल्ब की रेटिंग दी हुई थी 10 वॉट, है ना। हमने क्या करा, पी की जगह यहाँ पर वैल्यू रखी 10, क्योंकि 10 वॉट दी हुई है हमको। वी वोल्टेज अपन कितना दे रहे हैं सभी को, पूरा पूरा वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 का, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर को इधर ले जाऊं, 10 को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
आर इधर गया, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ये काय की वैल्यू आ गई आर की। कौन सा आर है ये, पूरा पूरा आर है क्या, पूरे सर्किट का आर है क्या ये, आर की वैल्यू काय की आई है, एक एक बल्ब के रेजिस्टेंस की आई है कि पूरे बल्बों के रेजिस्टेंस की आई है। एक एक बल्ब की आई है ना। अब हमको, अब हमारा क्वेश्चन वैसे नहीं बन गया जैसे पहले था, अब हमको क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ हर एक बल्ब का कितना है, वो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अगर हम इसको जो है अब वो समानता क्रम वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लें तो अब जो है वो हमारा पिछले वाला जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो हम लगाते हैं, माना कि कुल प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, एक्स है, माना कि कुल प्रतिरोधों की संख्या एक्स है, बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे हम, समानता क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इक्वल्स टू, क्या करा था हमने, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी थी और उसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया था, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी मैंने 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया x का, यही करा था आखिरी बार में। अब क्या करेंगे हम जो है इसको या तो सॉल्व कर सकते हो आप या फिर r की वैल्यू निकालना है ना, r की वैल्यू निकालना है तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा, r ऊपर जाएगा, r ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, बटे में रहेगा x इंटू 220 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये टोटल ओवरऑल आर आ गया, मतलब कि पूरे के पूरे परिपथ का आर आ गया, आर आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ओम का नियम है हमारे पास, ओम का नियम क्या बोलता है, वी इक्वल्स टू आई आर, वी हमको कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, आई कितना दिया हुआ है, आई 5 एम्पियर। आप बोलोगे भैया आपने अब आई का मान रख दिया, पहले नहीं रखा था, अब इसमें जो आई लिख रहा है ना हम पूरे सर्किट का आई लिख रहे हैं, पूरे परिपथ का आई, इस वाले आई की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने अब पूरा रेजिस्टेंस निकाल लिया है, पहले पूरा रेजिस्टेंस निकाला नहीं था, अगर इस पर्टिकुलर बल्ब की बात कर रहे थे तो इसके ये वाला करंट हमको पता नहीं था, इसलिए हमने पहले वाला आई नहीं, वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया था, है ना। अब ये वाला आर कौन सा है जो अभी हमने निकाला, 10/x × 220 का स्क्वायर, 10/x × 220 का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा, है ना। x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ले जाएंगे, 220 को इधर ले आएंगे, x इधर आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड, कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पर, 100% कुछ ना कुछ गलती करी हुई है, गलती हुई है, अलग ही समझ में आ गई है, चलो देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है मान, 10 वोल्ट, वी का स्क्वायर यानी कि 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, हाँ 220 स्क्वायर को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, दो सौ बीस स्क्वायर को सॉल्व भी कर देंगे यदि, कर लो सॉल्व, कितना हो रहा है, 22 का स्क्वायर 4400 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 440 आएगा, है ना, 10 बचा है ना यहाँ पर, तो 440 हो जाएगा, मतलब एक बल्ब का मान कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। चलो इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, जैसा पूजा बोल रही है वैसा भी करके देख लेते हैं, 440 को सुना हुआ लग रहा है, उसी को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आर वन की वैल्यू हो जाएगी 440 ओम, मतलब हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 440 ओम, ये आ रहा है डिवाइडेड बाय 10 कर रहा है कि उसके पहले ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद आ रहा है ना, हाँ भैया ठीक, मतलब ये आ रहा है एक बल्ब का प्रतिरोध, अब थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, एक बल्ब का प्रतिरोध आ रहा है 48-40 ओम, बढ़िया। अब यहाँ पर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को
फिर से सॉल्व करते हैं, टोटल ओवरऑल आर निकालना है, आर की वैल्यू आएगी, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेजिस्टेंस में, मतलब 440 ओम में, 440 ओम में। अब क्या करेंगे हम, एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वन अपन आर इक्वल्स टू अपन आर इक्वल्स टू 440 या 48 40, हाँ हाँ ना, हाँ 48 40 48 40। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, या फिर आर की वैल्यू निकालना है हमको, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे कर दो, 48 40 डिवाइडेड बाय एक्स। दो मिनट एक कॉल आ रहा, आर की वैल्यू आ गई, बस क्वेश्चन यहीं पर जो है वो स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे ही फॉलो करेंगे हम। अब यहाँ पर फिर से ओम का नेम लगा देंगे, वी इक्वल्स टू आई आर, वी का मान दिया हुआ है 220। अब मेरे को लग रहा है कि आप जाना वो पहचाना है, मैंने बताया था ना थोड़ा सा दिमाग में आ गया था कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। आर का मान कितना आया अपना, आर का मान आया है 48 40 बटे x, 48 40 बटे x। बता सकते हो इसका मान कितना आएगा, अब सही आएगा, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप, चैट बॉक्स में देखो आंसर, 10 से 10 काट दो। अरे ये तो बहुत सरल है, 22 से कट रहा है, देखो 22 दूनी 44, बता 4 22 दूनी 44, 5 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की, 1 5 दूनी 10 और 1 11। एक्स की वैल्यू निकालना थी, ये रेजिस्टेंस नहीं है, 110 संख्या आ रही है ना, बल्बों की संख्या कितनी होगी, 110। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर आई थी, अपन ने इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनाया, कैसे बनाया, पावर के फॉर्मूले का यूज करके। कौन सा पावर के फॉर्मूला यूज करा, वी स्क्वायर अपन आर, बाकी के दो क्यों नहीं करे, पहले वाले में आर नहीं आ रहा था, दूसरे वाले में करंट डिवाइड हो जा रहा था तो वो दिया नहीं था हमको, वी स्क्वायर अपन आर का यूज करा, हमने एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो आया 48 40 ओम। एक बल्ब का आ गया, सभी बल्बों का निकालना है तो एक बल्ब के रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दिया कुल संख्या का, कुल संख्या हमने कितनी मानी है, एक्स मानी है, वही केले वाली बात, कुल संख्या लिख दी, कुल प्रतिरोध आ गया किसके फॉर्म में आया, एक्स के फॉर्म में, 48 40 बटे x, बढ़िया। उसके बाद जो है हमने ओम का नियम लगाया और ओम के नियम से एक्स का मान निकाल लिया। पिछली बार थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी क्योंकि हमने आर की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके नहीं रखी थी, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा था, वैसे होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों हुआ है, क्या देखेंगे उसको बाद में। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार सॉल्व करके देखना, नहीं बनेगा अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे अपन उसको। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अच्छा आगे और भी है, ये वाला तो एक बस मौखिक मौखिक है, एक दिन का टाइम और लग जाएगा अभी, क्योंकि अभी ग्राफ वाला पेपर भी समझाना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी समझाना है। चलो आज का क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा आखिरी होगा और इसका पूरा नहीं बताऊंगा मैं, आपका होमवर्क जैसा रहेगा ये वाला क्वेश्चन, बाकी जो है आपको भेजना नहीं है, इस वाले को भेजना पड़ सकता है, देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन समझ में आता कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बोल रहे हैं किसी विद्युत भट्टी की तत्व प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों से बनी, कोई हीटर है, उसमें हीटर में दो कुंडलियां लगी हुई है, ए और बी, ए और बी। ओ भाई साहब पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, कोई हीटर की दो प्लेट ए और बी कुंडलियों से बनी हुई है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, हर एक कुंडली का प्रतिरोध कितना, 24 ओम, और इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में तीन अलग अलग तरह से लगाया जाता है, पहले अलग अलग लगाया हुआ है, फिर श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, फिर समांतर क्रम में लगाया हुआ है। यदि वह बैटरी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में, मतलब अलग अलग,
श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में धारा का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक भट्टी दो कॉइल से बनी हुई है, तो बोल रहे हैं पहला केस क्या होगा, एक कॉइल ये मान ली ए कॉइल, दूसरी कॉइल मान ली बी कॉइल, है ना। ये कौन सा केस है, पहला केस है जब अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, हम दोनों कुंडलियों को अलग अलग लगा रहे हैं। बोल रहे हैं पहली कुंडली को आपने कितने वोल्ट से लगाया, 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से। आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी का साइन बना सकते हो, फिर बोल रहा हूँ 220 वोल्ट से लगाया। रेजिस्टेंस आपको पता है 24, ये पहली कुंडली हो गई, दूसरी कुंडली को भी ऐसे लगाया 24 ओम, 220 वोल्ट। आपको बताना है इस केस में आई का मान कितना होगा, इस केस में आई का मान कितना होगा। दोनों सेम ही रहेंगे, आई बिल्कुल सेम रहेंगे, रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, तो आई भी सेम आएगा। आई कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वी दिया है, आर दिया है, आई फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? V बराबर आई आर। जी हाँ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वही ओम का नियम लगाएंगे, आपका आई का मान आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 24, जितना भी मान आएगा वो आई का मान होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है। तो पहला केस तो सॉल्व हो गया जब हमने कुंडी अलग अलग सॉल्व करी। अब उसके बाद क्या बोला है, श्रेणी क्रम में लगाना है। अब दूसरा केस बनेगा हमारा जब हमने कुंडियों को श्रेणी क्रम में लगा दिया, पहली कुंडली दूसरी कुंडली, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, कुंडली का मान कितना दिया हुआ है 24 ओम 24 ओम, आई का मान ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इन दोनों का, 24 48 ओम। बी दिया हुआ है, आई का मान ज्ञात करना है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी का मान 220, आर का मान टोटल आर का मान आया 48, आई का मान निकाल लोगे आसानी से। अब कौन सा क्रम लगाना है, तीसरा पार्ट बोल रहा है समांतर क्रम में जोड़ी हुई दोनों कुंडलियां, समांतर क्रम में जोड़ी हुई, समांतर क्रम बना दो। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया 24 ओम 24 ओम, 220 आई करंट बह रहा है, यही फाइंड करना है। ठीक, समांतर क्रम लगाओगे पहले कुल प्रतिरोध निकालो, 1/R = फॉर्मूला लगा के 1/R1, मैंने ही सॉल्व कर दिया है, आपको केवल जो है वो कैलकुलेट करना है बस, 1/R + 1/R2, है ना। मैं इसके मान रख देता हूँ डायरेक्ट, R1 का मान कितना है 24 + 1/24, दोनों को ऐड करोगे जाएगा 2/24, 2 से काटोगे आ जाएगा 1/12, ये 1/R का मान आया है, हमको R का मान चाहिए है, तो R का मान आ जाएगा 12 ओम आ गया। बस I का मान ओम के नियम से निकालना है आपको, I इक्वल टू वी अपन आर, वी कितना है 220 वोल्ट, R कितना आ गया अपना 12 ओम, I का मान निकाल सकते हो आसानी से। तो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई के तीनों मान निकालना है, जब आपने अलग अलग कुंडलियों को संयोजित करा, श्रेणी क्रम में संयोजित करा और समांतर क्रम में संयोजित करा, बिल्कुल इजी सा है। आई के मान आप जो है वो कल होमवर्क जो है वो सॉल्व करके भेजेंगे मुझे। 12 बच्चे हैं, 7 बच्चों का अगर होमवर्क आता है तभी मैं कल की क्लास लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, है ना। कल की छुट्टी हो जाएगी आपकी अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो, अभी के अभी जब कुछ देर लगेगी आपको, डायग्राम फटफट बनाना है, कोई स्केल से नहीं बनाना है डायग्राम, तुरंत 5 मिनट में जो है डायग्राम बना के अभी के अभी होमवर्क खत्म कर दो। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त, बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया।